साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। इसलिए ही आज का भारत सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। आपको भी अपने प्रयासों के बीच ये समझना होगा कि सबका प्रयास, सबकी भागीदारी की ताकत क्या होती है। अपने कार्यों में आप जितना ज्यादा, व्यवस्था में जितने विभाग है सबको जोड़ करके प्रयास करें, हर मुलाजिम को जोड़ करके प्रयास करें, तो वो तो एक पहला दायरा हो गया, पहला सर्कल हो गया। लेकिन बड़ा सर्कल सामाजिक संगठनों को जोड़े, फिर जन सामान्य को जोड़े, एक प्रकार से सबका प्रयास, समाज का आखिरी व्यक्ति भी आपके प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। और अगर ये काम आप करते हैं तो आप कल्पना नहीं करेंगे उतनी आपकी ताकत बढ़ जाएगी। अब जैसे सोच लीजिए, किसी बड़े शहर का एक हमारे यहां कोई नगर निगम है, वहां उसके पास अनेक सफाई कर्मचारी होते हैं और वो इतना परिश्रम भी करते हैं, वो भी शहर को स्वच्छ रखने के लिए जी जान से लगे रहते हैं। लेकिन उनके प्रयासों के साथ हर परिवार जुड़ जाए, हर नागरिक जुड़ जाए, गंदगी न होने देने का संकल्प जन आंदोलन बन जाए, तो मुझे बताइए कि उन सफाई करने वाले लोगों के लिए भी ये हर दिन एक उत्सव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जो परिणाम मिलते हैं वो अनेक गुना बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे। क्यों? कि सबका प्रयास एक सकारात्मक परिणाम आता है। जब जन भागीदारी होती है तब एक और एक मिलकर दो नहीं बनते, बल्कि एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं।